दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सभी को मेरा नमस्ते, मेरा नाम है निंजन, आप देख रहे हैं निंजन के वीडियोस। आप फ्रेंड्स, ये ब्लॉग काफी मजेदार होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ मेरे भैया की मतलब शादी है, और वो बादली में, समयपुर बादली यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हमारी बारात जाएगी, मतलब अभी बस से जाएंगे। अभी बस 6 बजे का टाइम है, अभी बज रहे हैं 5:30, आधा घंटा बाकी है। तो मैं अभी रेडी हो रहा हूँ बिल्कुल। तो अभी मैंने ऊपर का पहन लिया, अब जीन्स पहन रहा हूँ, उसके बाद रेडी होकर चलते हैं। तो प्लीज आज का ब्लॉग पूरा देखना, बहुत ही मजेदार ब्लॉग होने वाला। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पूरा वीडियो। ओके, मैं अभी निकल रहा था, टाइम हो गया है, 7 बज गया है पूरा। और जानते हो शादी ब्याह के मामले में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, तो अभी दूल्हा भी तैयार नहीं हुआ, अभी 7:30 बजा। तो अभी मैं उनके ही घर जा रहा हूँ, तो बस चलूंगी घर। ठीक है, जा रहे हैं बारात में, ठीक है। और ये लोगों ने खाना खा लिया है, देख लो, अब जा रहे हैं। बस सब लोग निकल चुके हैं, नीचे लोग खड़े हैं, हमारे इंतजार कर रहे हैं, तो सब जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। बारात शुरू हो चुकी है, हम निकल चुके हैं रस्ते में अभी, और ये भी एक बार बैठे हैं। इधर सामान है हमारा, देखो फिर बाहर दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तभी मैं समयपुर बादली है, ये बस यहाँ से कुछ ही देर का रास्ता है, बस 5 से 10 मिनट का। ठीक है ना, तो बस देखो उसके बाद में बारात में देखते क्या स्वागत होता है। ठीक है, यहाँ पे उतरा हूँ, और यहाँ से अभी 5 मिनट का रास्ता और है। अभी यहाँ पे कुछ दूल्हे की गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है, तो प्लीज उसके लिए रुके पड़े हैं सब। तो 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, फिर चलते हैं। ठीक है, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है। यहाँ का बोलने वाले बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, पीछे मेरे मंदिर है, मंदिर में शादी हो रही है। ठीक है ना, मैं इसकी कहानी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, हम घर पे जाके आपसे बात करते हैं। फिर जयमाला हो गया, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, बस में बैठे आए थे, इको से जा रहे हैं बस से। फ्रेंड्स, अब हम वज्राबाद के काफी करीब है, अब वज्राबाद आने ही वाला है कुछ देर में, 5 से 6 मिनट में आ जाएगा वज्राबाद। ठीक है ना, कि बस से उतर के आपसे बात करते हैं। फिर आ गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 1:04, और जानते हो कि 1:30 बजने वाला है। आज पूरा वज्राबाद सुनसान पूरा हो गया, एक दो लोग ही दिख रहे हैं ढाबे में काम करते हैं, जो ढाबा चलाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का ब्लॉग। इसमें मेरे भाई, जो मेरे भैया लगते हैं, ऐसे तो लगते हैं भतीजा, लेकिन भाई रिस्पेक्ट करता हूँ, भैया बोलता हूँ, उनकी शादी थी, बस ये सब हुआ आज।
और जैसे जयमाला हुआ, हम सब वापसी आ गए बस से, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम भी है पॉलिटिकल साइंस का। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके, बाय बाय।